इस हफ्ते चीन के साथ डोकलाम का झगड़ा सुलझ गया और अगले ही हफ्ते मोदी चीन जा रहे हैं। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या इस झगड़े का हल होने के बाद चीन और भारत फिर से दोस्त बन जाएंगे। इस बात पर एक नजर न सिर्फ भारतीय चीनी जनता की होगी बल्कि पूरी दुनिया सीमा विवाद में उलझी दो महाशक्तियों के तेवर देखने को बेचैन है। दरअसल ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि भारत और चीन के बीच युद्ध होना मुमकिन ही नहीं है। दोस्ती ही इकलौता विकल्प है जिसे अपनाकर दोनों देश शांति से रह पाएंगे। इसके पीछे जहां शक्ति संतुलन एक वजह है, वहीं कारोबारी रिश्ते भी एक बड़ी वजह है। एक दूसरे के साथ कारोबार के मामले में दोनों देश इतना आगे बढ़ चुके हैं कि अब छोटे मोटे सीमा विवाद की वजह से दुश्मनी करना दोनों ही मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकते। भारत भले ही भूटान के साथ अच्छे रिश्तों को बनाए रखने के लिए चीन को आंख दिखाए, लेकिन निवेश के लिए परेशान मोदी सरकार चीनी पैसे को ना भी नहीं कह सकती। कुछ इसी तरह चीनी कारोबारी भी भारत के बाजार को नजरअंदाज करके चल नहीं पाएंगे। इससे इतर ब्रिक्स जैसे संगठन भी दो बड़े देशों का एक दूसरे से नाराज रहना झेल नहीं पाएंगे। अगर चीन और भारत एक दूसरे के साथ यूं ही टकराते रहे तो सिर्फ दोनों देशों के नहीं बल्कि कई और भी देशों के हित प्रभावित होंगे। अमेरिका और रूस भी नहीं चाहते कि भारत और चीन आपस में टकराएं। साफ सी बात है कि लंबे वक्त तक दुनिया के कारोबार में टिके रहने के लिए दोनों ही देशों का एक दूसरे के साथ कायदे से रहना बेहद जरूरी है। बहुत उम्मीद है कि मोदी चीन जाएं तो वहां से काफी खुश होकर लौटें। बहुत उम्मीद इस बात की भी है कि जब मोदी चीन जाएं तो चीन के साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत हो। आखिर शांति से रहने के फायदे सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि चीन को भी मिलने वाले हैं। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।